बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्रीकांत ब्लॉग पर। और आज है फ्राइडे, कल सैटरडे मॉर्निंग स्कूल, और इसलिए हम पंकज सर के साथ रुके हैं अपने विद्यालय में ही। और शाम का समय है, फ्री टाइम है, गर्मी के दिन है, थोड़ा लंबा समय मिल रहा है, तो इसलिए हम जा रहे हैं जंगल। ये पूरी बच्चा पार्टी और हम तोड़ेंगे जंगल में भिलवा। इनको पता है कि भिलवा का पेड़ किस साइड है, तो इसलिए हम अभी जाएंगे पेड़ के पास और देखेंगे कौन कौन से पेड़ में फल लगा है, नहीं लगा है। और आज हमें स्कूल के पीछे का जो जंगल है वहाँ पूरा खाक छानना है, भिलवा तोड़ना है। देखते हैं हमें कितना भिलवा मिल पाता है, मिला तो भी ठीक, नहीं तो अच्छा है। जिस एरिया में हम जा रहे हैं उस एरिया में हमारा पहली बार जाना हो रहा है। और देखिए पत्तों की आवाज़, पतझड़ का दिन आ गया, पत्ते गिर चुके हैं जो पैरों पर पड़ रहे हैं, और ये आवाज़ उसी की है। यह जो हमारा ब्लॉग है वह होने वाला है हिंदी और छत्तीसगढ़ी मिक्स, क्योंकि जब मैं बच्चों से बात करूंगा तो वहाँ होगी छत्तीसगढ़ी, और जब मैं आपसे बात करूंगा तो वहाँ होगी हिंदी। तो यहाँ भी एक मज़ेदार बात है कि कुछ हिंदी कुछ छत्तीसगढ़ी, और लपेट लपेट कर देखते हैं, मज़ा आता है। तो हम जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे आगे आगे और मैं पीछे पीछे, और हमें सामने एक पेड़ नज़र आया है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें फल लगा है या नहीं। ऐसे हर साल तो ढेर सारा फल लगता है, पर इस बार है या नहीं यह हमें देखना पड़ेगा, और वो भी पेड़ के जब हम पास पहुंचेंगे तब। यस, कुछ फल तो नज़र आ रहा है। ये है भिलवा पेड़ और इससे हम तोड़ेंगे फल। तो आसपास फल 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 हाँ है बहुत ज़्यादा। हाँ अब है, ए मान ना डंडा तो तुम गिर ही। हाँ वैसे ही तो अपना भय भिलवा फल तोड़ रहा, और देखते हैं यहाँ पर एक फल गिरा है कहीं पर। हाँ तो ये देखिए, यह है भिलवा फल। इसका जो यह जो भाग है पीला पीला, इसे खाते हैं, और यह है उसका बीज, इसे बिल्कुल नहीं खाना है, और अगर आपने खा लिया तो फिर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। इस पेड़ से हमें इतने सारे फल मिले हैं, यह देखिए। और अब हम चलेंगे अगले पेड़ की। इस पेड़ पर काफ़ी कम फल लगे हुए हैं, और इसलिए हम जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे साथ जो मुस्कान है उसने बहुत सारे पेड़ देखे हैं जिस पर फल लगे हुए हैं, और फेंकू सिंह तो अपना है डंगनी धरने वाला। वाह वाह फेंकू वाह, तूने दिल जीत लिया। ये है फेंकू जो हमारा डंडा पकड़ के आगे चल रहा है। तो चलिए, फ्राइडे का दिन, कुछ शाम को काम नहीं, तो हम चलते हैं भिलवा खाने। क्या खाने? भिलवा। यस, धीरे धीरे हम जंगल में और आगे बढ़ रहे हैं, और बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। शाम का समय है, सूरज डूबने वाला है, पर इसके बावजूद किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। मेरे पीछे पंकज सर, कल इनकी हायर सेकेंडरी अजगर बहार में एग्ज़ाम ड्यूटी है, और इसलिए आज यह भी मेरे साथ ही स्कूल में रुक रहे हैं।
और बहुत बिजी हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, पर हम तो जा रहे हैं जंगल की ओर। पीछे देखिए पहाड़, क्या रक्षा पहाड़ ऐसी कुछ नाम है उसका। पाले नहीं है, छोटे जी बड़े ना भेलवा पेड़ है, ज्यादा बड़े नहीं है। कहाँ? हाँ वेदा भी है लेकिन फाले नहीं है। कहाँ? हाँ होगा, हम जंगल में एक पेड़ से दूसरे पेड़ घूमते घूमते आ रहे हैं। इधर फल तो लगे हैं पर वो अभी कच्चा है, पका नहीं है, तो इसलिए हम फिर से वापस लौट रहे हैं। और हमारा फेंकू सिंह टीम को लीड कर रहा है, वो बताएगा कि हमें किस साइड भेलवा का पेड़ मिलेगा। तो देखिए ये जो बागमाड़ा और गड़कटरा के बीच पहाड़ है वह है छेरकिन पहाड़ मेरे ख्याल से, और ये है पुटका पहाड़ की श्रृंखला, इसका नाम रिखी पहाड़ ऐसा कुछ है। जंगल में हमें एक और पेड़ मिला है और इसमें भी फल लगे हुए हैं, यह देखिए, तो इसे भी हमें तोड़ना होगा। लेके आ डंडा, लेके आ, रुक जा मैं हिलाता हूँ। बाहुबली एक और गिरी थे, आधा नहीं गिरी थे। सब तो गिर गए, कहाँ गए? तो पे हो पत्ता करा, वो दे दो पत्ता करा, ना हाँ वो पत्ता, वो आगे डार वाला, ना है आगे हो कर, ओ डार, हाँ वही, कच्चा लगा होगा, कच्चा नहीं तो, चलो, वो पे लगा रहा हूँ तो परसा है काम, कना हाँ परस तो ओ, कहां है? ये मन तो कच्चा कच्चा है। कच्चा है। अच्छा दे। ए दे। ओ इधर। चलो। चलो। मैं कुछ नहीं।
चला थे कुछ इन बता इस फिर हो भी था फेंको सिंह को हम खूब पीटेंगे फेंक दे वो तो थी एक नाम का है भिलवा डबरा नाहन घोगरा कल गरी खेले आबो यहाँ गरी खेले हमारे जो बच्चे हैं हमें इस पेड़ से उस पेड़ लगातार घुमा रहे हैं अगर एक पेड़ पर फल नहीं मिलता है तो फिर ले चलते हैं अगले पेड़ पर फिर अगले इस तरह से लगता है आज पूरा थक ही जाएंगे हम तो चलिए जहाँ बच्चे तोड़ रहे हैं वहाँ चलते हैं हम फले है यहाँ कहाँ है तो हरा हरा है ना हमारे बच्चे अपनी अपनी चिड़िया के लिए तोता या मैना के लिए बड़ का फल तोड़ रहे हैं और ये उन्हें खिलाएंगे आज तो चिड़िया का भी मजा है देखिए किस तरह से फल लगे हुए हैं यह मैं दिखाता हूँ यह देखिए पका हुआ फल यह है बड़ का फल जो खिलाएंगे चिड़ियों को खावा नहीं पीपल के फल खाते हैं बड़ के पता नहीं पीपल के जो फल है ना वो खाते हैं ये ला तो दोस्तों पूरा जंगल घूमने के बाद हमें थोड़ा सा ही यह भेलवा का फल मिल पाया है पर बच्चों ने अपनी चिड़िया के लिए बरगद का फल इधर भी हमारी जो मुस्कान है अपनी चिड़िया के लिए बरगद का फल रखी है तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को हम करते हैं यहाँ एंड और फिर किसी बेहतर दिन हम फिर आप सबसे मिलेंगे हमारे जंगल का हाल चाल दिखाएंगे आपको तो चलिए कंप्लीट करें बाय बाय।